हेलो वृषभ राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फर्स्ट टू 15 अगस्त तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए कैसी होगी, क्या बदलाव आएंगे। कुछ एंजल मैसेज भी हम देखेंगे और कुछ पार्टनर की तरफ से हिडन मैसेजेस भी हम देखने वाले हैं। आपकी प्लेनेट पोजिशन अभी क्या है उससे भी हम गाइडेंस लेंगे। सो गाइज, स्टार्ट करने से पहले आप अपने पार्टनर जिसके बारे में आप जानना चाहते हो उसका नाम ले सकते हैं, उसे याद कर सकते हैं। और मैं ये भी कहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जितने मैसेज आपके साथ रेजोनेट होते हैं आप सिर्फ उसी को फॉलो करें, बाकी को जाने दें। तो स्टार्ट करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि, आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स, अभी की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर की अभी की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए अभी क्या है वृषभ राशि। ओके, आपकी फीलिंग्स से स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कुछ तो आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन है जिसका कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे कैसे पॉसिबल होगा। सो कहीं ना कहीं आप स्टक दिख रहे हो मुझे इस रिश्ते को लेकर, कंफ्यूज दिख रहे हो। अभी आप कोई भी एक्शन नहीं लेना चाह रहे हो, या तो आप में से बहुत से लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं और वो बात भी नहीं करना चाह रहे हैं। अभी उन्हें ऐसा लगता है कि अभी एक्शन भी नहीं लेना है मुझको, बस मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जो भी हो अच्छा हो जाए। ये भी नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो ही पर्सन चाहिए, बस ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जो भी हो अच्छा हो जाए, लाइफ में जो चीज़ मिलनी हो वो बैलेंस होकर मिल जाए। आप खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं अभी वृषभ राशि में, देख पा रही हूँ खुद पर फोकस बहुत ज़्यादा है, खुद की एनर्जी को बैलेंस करने पर लगे हुए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि किसी और की वजह से अगर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरी लाइफ में मुझे पेन हो रहा है, हर्ट हो रहा है, तो आप खुद की लाइफ को बैलेंस कर रहे हो यहाँ पर मुझे दिख रहा है। मैजिशियन कार्ड कहता है कि मैनिफेस्ट करना, हील करना, और इतना मतलब कि मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि थोड़ा ईगो में भी आप हो, एटीट्यूड में भी हो कि भाई जब उसको आना होगा आ जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, अब मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, मुझे क्या चिंता है। तो ऐसे एटीट्यूड में भी आपकी अभी करंट एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और आपके पार्टनर की बात करें तो उनका भी दिल टूटा हुआ है, वो भी देखिए आप, एक स्टॉर्म आया था आप दोनों के बीच में जो कि बहुत कुछ तोड़ कर गया है, बहुत कुछ पास्ट की ऐसी बातों को लेकर आया सामने जो कि आपके दिल को बहुत ठेस पहुँचाई, आपके भी दिल को ठेस पहुँची और आपके पार्टनर को भी पहुँची है। यहाँ पर दोनों ही खुद पे ही वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर भी देखिए वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये रिश्ता बहुत जुड़ा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के लिए मन में प्यार था और आज भी दिख रहा है। ऐसा नहीं है आज नहीं है, लेकिन आज भी दिख रहा है, लेकिन अभी दोनों में एटीट्यूड बहुत है। हो सकता है वृषभ राशि आप में एटीट्यूड ज़्यादा हो, आप झुकना नहीं चाहते, आपको ऐसा लगता है कि नहीं जो मेरे फ्यूचर के लिए सही होगा मैं वो ही सोचूंगी या सोचूंगा, मुझे उसके अलावा कुछ नहीं दिखना या कुछ नहीं सोचना। गाइज, आप में से बहुत से लोग ये मैसेज करते हैं, ये सिंगल के लिए, ये मैरिड के लिए, ये सबके लिए है। आपसे जो मैसेज रेजोनेट होता है आप उसको लीजिए बस, क्योंकि अलग अलग हम नहीं बना सकते कोई भी रीडिंग। अभी मैं यही कहूँगी कि ये जो स्टॉर्म आया आप दोनों के बीच में पास्ट की जितनी भी बातों की वजह से जो तनाव पैदा हुआ है उसको हील होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और कोशिश यही करें कि ठीक है जैसे चल रहा है वैसे सिचुएशन को चलने दे और अच्छी अफर्मेशन दे अपने इस रिश्ते के लिए और मैनिफेस्ट करते रहें। देखते हैं 1 से 15 अगस्त तक आप दोनों का रिलेशन कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स 1 से 15 अगस्त तक कैसी रहने वाली है। द डेविल, द लव, ओ गॉड, देखिए द डेविल और द लवर्स दोनों एक साथ आए हैं। ओके, आपके पार्टनर की फीलिंग्स 1 से 15 अगस्त तक कैसी रहने वाली है।
आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए वृषभ राशि 1 से 15 अगस्त तक कैसी रहने वाली है? वृषभ राशि, आप बहुत ज़्यादा अभी ऐसे में आ गए हो कि जैसा मैं चाहूँगा वैसा ही ये रिश्ता चलेगा, तो ही ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। आपने बहुत कुछ, आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो। अब 1 से 15 अगस्त इन 15 दिनों में मैं देख पा रही हूँ कि आप कुछ भी अपने पार्टनर की सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। आपके अपने सवाल बहुत ज़्यादा होंगे, आपकी खुद के कंप्लेंस बहुत ज़्यादा होगी, मैं ये कहूँगी। और ये सब करके आप खुद का नुकसान भी कर रहे हो कहीं ना कहीं, जो मैं देख पा रही हूँ। आपको ऐसा लगता है कि अब बस आपसे, अगर आपके पार्टनर से एक गलती हुई है तो अब बस, अब अगर मेरे जैसे या मैं जैसा कहता हूँ वैसे तुम चलोगे तो ही ये रिश्ता रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। इतना ईगो, इतना एटीट्यूड आपके मन में आ चुका है। सो कहीं ना कहीं ये आपके इस रिश्ते को भी ख़राब कर रहा है, और कहीं ना कहीं आपको मेंटली भी परेशान कर रहा है। तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव ना बने, और बहुत पेशेंस के साथ सोचने की कोशिश करें कि आपको क्या करना चाहिए अपनी। या तो फिर आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग बन रहे हो, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग बन रहे हो। ये डिमांड्स बढ़ने की वजह से, आपके डिज़ायर्स बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी थोड़ा सोच में हो गए हैं कि आगे क्या करें। यहाँ आपकी करेंट, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखिए, द डेविल की एनर्जी, द डेविल की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये मैसेज दे रही है कि आप वृषभ राशि अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गए हो। आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो एक साथ चाहते हैं, प्यार चाहते हैं आपका, एक फैमिली चाहते हैं आपसे। लेकिन आपने सिर्फ उसे अपनी एक डिज़ायर्स कंप्लीट करने का वो बना लिया है। सो ये 15 दिन जो है उसमें ये एनर्जी सामने आ सकती है आप दोनों की, और फिर से आप दोनों के बीच में इस बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हो सकता है। आपको लगेगा वृषभ राशि, आपके पार्टनर इमेच्योरिटी से बिहेव कर रहे हैं, और आपके पार्टनर को लगेगा कि आप उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनकी खुशियों को छीन रहे हो उनसे, आप उनसे बहुत आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, आप भी, उनको लगेगा आप भी इमेच्योरिटी से बिहेव कर रहे हो, सिर्फ तुम्हें लड़ना है और कुछ नहीं, ऐसा आपके पार्टनर आपको कह सकते हैं। तो चलिए ओवरऑल देख लेते हैं, ओवरऑल क्या एनर्जी है 1 से 15 अगस्त तक की। वृषभ राशि 1 से 15 अगस्त तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है? द ड्रीम, एग्जोशन, हार्मनी। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है हीली। चलो एक बात क्लियर कर लेते हैं, ये 2 ऑफ कप्स कार्ड जिस पार्टनर के साथ आप रीडिंग देख रहे हो क्या उसके लिए है? ओके, ठीक है। 1 से 15 अगस्त के बीच में आप इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा घबराहट फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि बस बहुत हो गया, मेरा दम घुटने लगा इस रिश्ते में। और उसी वक्त किसी नए पर्सन की एंट्री आपकी फैमिली में, आपकी लाइफ में होती हुई नज़र आ रही है, जिसके साथ आपको मिलकर ऐसा लगेगा कि ये ही वो पार्टनर है जिसको मैंने सपने में देखा, जिसके सपने मुझे आते हैं, जो मैं चाहती हूँ वैसा है, या जो मैं चाहता हूँ वैसा है। फाइनली आप भगवान को थैंक्स कहते हुए नज़र आ रहे हो कि आपने मुझे परफेक्ट मेरे किंग से मिला दिया है, या क्वीन से मिला दिया है। सो एक न्यू बॉन्डिंग, नई एनर्जी, नया रिश्ता, यहाँ पर आपके सारे सपने पूरे होते हुए भी नज़र आ रहे हैं मुझे इन 15 दिनों में। तो जैसे ही, अगर अभी आपको ऐसा लगता है कि अभी आप बहुत स्ट्रेस में हैं, तो अच्छी पॉजिटिव अफर्मेशन देना स्टार्ट कर दें कि बेस्ट लाइफ पार्टनर आपको लाइफ में मिल गया है। रोज़ इसको चैंट करें, और आप देखेंगे कि सही में आपके सामने आपके सपनों की राजकुमारी या सपनों का राजकुमार आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा प्लेनेट है जो आपको अभी, द 5th हाउस, डेफिनेटली कोई दूसरा पर्सन आने वाला है, कोई नया पर्सन आने वाला है, एक नया प्यार, नई लाइफ की शुरुआत यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है।
एक मतलब आपको लगेगा कि यस, यहाँ मुझे सोचना नहीं पड़ रहा है, यहाँ मुझे पैम्पर किया जा रहा है, यहाँ पर मुझे प्यार दिया जा रहा है, मुझे एक बच्चे जैसे मुझे प्यार मिल रहा है, यहाँ पर मुझे बहुत पैम्परिंग मिल रही है। तो डेफिनेटली कुछ न्यू लव यहाँ पर लाइफ में आने वाला है। एंजल मैसेज देख लेते हैं हम पहले यहाँ पर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देखिए अभी मैंने कहा ना, अगर अभी आपको ऐसा लगता है, एंजल भी आपको ये गाइड कर रही है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ही स्टक कंफ्यूजन फील हो रहा है, तो जो आपको चाहिए, जो आपकी डिज़ायर्स है, उसको अफर्मेशन बनाकर डेली चेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी विशेस पूरी होने लग गई है। आप देखोगे कि जो आप मांग रहे थे, जैसा पार्टनर आप चाहते थे, वो आपको मिलने लग गया है। ठीक है, आपकी लव लाइफ के लिए आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है? यस, सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि दुनिया का डर है, वो चार लोग जिसकी लोग बातें करते हैं कि वो क्या कहेंगे मुझको, या फिर लोग मुझे ताने मारेंगे, लोग मेरी बातें बनाएंगे, मेरी बातें करेंगे, तो भूल जाइए। अपनी सोच को बदलने की कोशिश करिए, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचना स्टार्ट करिए। आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है, इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हो, दुनिया, लाइफ, फैमिली, मतलब आसपास के लोग। तो थोड़ा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करिए। यहाँ पे कहा जा रहा है नई सोच के साथ अपनी नई उड़ान भरिए, अपनी लाइफ में कलर्स लेकर आइए, नए रंगों को आकर्षित करिए अपनी लाइफ में, अपने लुक्स में चेंजेस लेकर आइए, अपने ड्रेसिंग सेंस में चेंजेस लेकर आइए, खुश रहना स्टार्ट कर दीजिए। लोग अपने आप आपके पास आएंगे। लोगों को देखकर एक रटी रटाई जिंदगी मत जियो कि मेरे पुरखों ने ऐसी ज़िंदगी जी है, तो अब मैं भी ऐसी ज़िंदगी जी रही हूँ या जी रहा हूँ, या फिर ऐसा तो होने ही वाला है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम जैसा चाहते हैं वैसी अपनी लाइफ को बना सकते हैं। आपकी खुशियाँ आप ही के हाथ में हैं। आप सिर्फ उन्हीं रीति रिवाजों को देखकर जीना चाहते हैं, या आज के नए नएपन को अपनाकर अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करके जीना चाहते हैं? तो थोड़ा अपनी सोच में बदलाव लेकर आए। लास्ट में देख लेते हैं आपके पार्टनर के हिडन मैसेजेस। फाइनेंस एंड करियर, तो यहाँ पे हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं अभी बहुत ज़्यादा अपने गोल्स पे, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो रिकॉन्सिलेशन वो चाहते हैं, डेफिनेटली वो कह रहे हैं कि चलो फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, नई बिगनिंग करते हैं। अगर हम दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी है तो उसको क्लियर कर लेते हैं। रिलीज़ योर एक्स, आपके पार्टनर यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई अगर तुम्हारी लाइफ में कोई पहले था या फिर है तो उसको निकाल दो। आपके पार्टनर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर आप किसी और के साथ कनेक्ट हो। प्लेफुलनेस और लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, यस, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ कोई तो है जो कंट्रोल कर रहा है। वृषभ राशि आपके लिए ही मैंने कहा था कि आप बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं अपने पार्टनर को, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि इतना कंट्रोल मत करो, खुश होकर जियो, एक इमेच्योर बिहेव करो। कभी कभी होता है ना, बहुत ज़्यादा समझदारी दिखाना भी रिलेशनशिप में ऐसा लगता है कि कुछ प्यार नहीं है, पैम्पर नहीं है, तो कभी कभी इमेच्योर बन के जीना भी अच्छा लगता है। तो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि खुश रहो, इमेच्योर रहो, इन्जॉय करते हैं लाइफ में, खुश रहते हैं, जो भी होगा देख लेंगे। इतना कंट्रोलिंग मत बनो, टीचर मत बनो भाई। तो यहाँ पर ये मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है। तो वृषभ राशि, ये थी आपकी रीडिंग 1 से 15 अगस्त तक। मैं उम्मीद करती हूँ आपको जो गाइडेंस मिली है उसे आप ज़रूर फॉलो करेंगे, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।